नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, उपचुनाव की तैयारी को लेकर होगी चर्चा। सीएम आवास पर की जाएगी बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, उपचुनाव की तैयारी को लेकर होगी चर्चा, सीएम आवास पर की जाएगी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कुंवर ज्ञानंजय सिंह हापुड़ के एसपी बनाए गए, राजेश कुमार गाजियाबाद के डीसीपी बनाए गए, एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा वेटिंग में रखे गए। यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कुंवर ज्ञानंजय सिंह हापुड़ के एसपी बनाए गए, राजेश कुमार गाजियाबाद के डीसीपी बनाए गए, एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा वेटिंग में रखे गए। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना, पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था हुआ रवाना, पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ है। पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से इन्हें रवाना किया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर में डबल मर्डर से सनसनी, 17 साल के भांजे ने मामा मामी को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में की ताबड़तोड़ फायरिंग, नाबालिग ने दिया डबल मर्डर की वारदात को अंजाम, मामा मामी संग ममेरे भाई को मारी गोली, डॉक्टरों ने दंपति को मृत घोषित किया, बेटे का इलाज जारी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ के इंदिरा नगर में डबल मर्डर से सनसनी, 17 साल के भांजे ने मामा मामी को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में की ताबड़तोड़ फायरिंग, नाबालिग ने दिया डबल मर्डर की वारदात को अंजाम, मामा मामी संग ममेरे भाई को मारी गोली, डॉक्टरों ने दंपति को मृत घोषित किया, बेटे का इलाज जारी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मोहल्ला में एक गोली चलने का सूचना लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच किया तो ये पता चला, राजेंद्र सिंह पुत्र राम सुंदर सिंह एवं उनका पत्नी सरोज सिंह और उनका बेटा श्रवण सिंह को गोली लगी थी। तीनों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर राजेंद्र सिंह को और सरोज सिंह को ब्रॉड डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया गया। श्रवण सिंह का स्थिति सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है। प्रस्तुत घटना में ये सामने आया कि उनका भांजा जो कि 17 साल उम्र है, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनका तलाश में पुलिस टीम लगी है। प्रस्तुत घटना पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर शांत। नीलगाय ने जीएम की कार को मारी टक्कर, चालक चोटिल, डीएम व गनर था कुशल, हापुड़ जाते समय जीएम की कार हुई हादसे का शिकार। नीलगाय की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई डीएम की कार। नीलगाय ने डीएम की कार को मारी टक्कर, चालक चोटिल, डीएम व गनर सकुशल, हापुड़ जाते समय डीएम की कार हुई हादसे का शिकार। नीलगाय की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई डीएम की कार। अमरोहा में बारात चढ़क के दौरान युवक ने दिखाया भौकाल, बारात में युवक ने लहराई तलवार, तलवार लहराते हुए वीडियो आया सामने, डांस करते समय हवा में तलवार लहरा रहा युवक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारात के दौरान डांस करते हुए युवक तलवार लहराते हुए नजर आया।
तलवार लहराने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के ओघपुरा गांव का है। अमरोहा में बारात चढ़त के दौरान युवक ने दिखाया भौकाल, बारात में युवक ने लहराई तलवार। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।